ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। खबर आजमगढ़ से है। आज पूरे दुनिया के अंदर कोरोना विश्वव्यापी महामारी फैली हुई है, जिसको लेकर हर देश की सरकार कुछ न कुछ अपने देशवासियों को सुरक्षित रखने तथा गरीब असहाय परिवारों को खाने के लिए राशन मुहैया भी करवा रही है और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए तमाम मुहिम भी चला रही है। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत सरायमीर के चेयरमैन राम प्रकाश यादव जी और लेखपाल पंकज राय के द्वारा 78 पैकेट सरकारी राशन गरीबों में वितरण किया गया, जिससे गरीब परिवार अपना पेट अच्छे से पाल सके। सरकार द्वारा हर हफ्ते नगर पंचायत के तमाम गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन इससे पहले भी वितरण किया गया था, जिससे गरीब परिवारों में खुशी है। तो वहीं लेखपाल पंकज राय जी का कहना है कि हमको सरकार राशन दे रही है, गरीब परिवारों को राशन पैकेट में वितरण करने को, और हम इसी तरह गरीबों को हर हफ्ते में एक बार ऐसे ही बांटते रहेंगे ताकि कोई गरीब भूखा ना रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए आजमगढ़ सरायमीर से नीरज कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। इन लोगों का गल्ला हमेशा मिलता रहेगा और जब तक शासन की व्यवस्था नहीं तब तक मिलता रहेगा जी। और जो निराश्रित परिवार है हमारे तहसील में जी, सबको जो 7 दिन का गल्ला दिया जाएगा। 7 दिन पर गल्ला दिया जाएगा, 78 लोगों को दिया जाएगा जी। प्राइम न्यूज 24 आजमगढ़ सरायमीर से नीरज कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।